श्रीलंका टीम के सीनियर स्पिनर रंगना हेरात चोट की वजह से भारत के खिलाफ दिल्ली टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं। नई दिल्ली नागपुर टेस्ट मैच में मिली हार के बाद श्रीलंका की टीम के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। टीम के सीनियर स्पिनर रंगना हेरात चोट की वजह से दिल्ली टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह टीम में लेग स्पिनर जेफ्री वेंडरसे को भारत बुलाया जा रहा है। हेरात ने पीठ दर्द की शिकायत की थी। कोलकाता टेस्ट मैच में वे सिर्फ 8 ओवर ही गेंदबाजी कर पाए थे। दूसरे यानी नागपुर टेस्ट मैच के दौरान हेरात की गेंदबाजी कुछ खास नहीं रही। उन्होंने 39 ओवर गेंदबाजी की थी। वहीं टीम में शामिल किए गए लेग स्पिनर जेफ्री वेंडरसे ने अपना टेस्ट डेब्यू नहीं किया है। उन्होंने श्रीलंका के लिए अब तक 11 वनडे और 7 T20 मैच खेले हैं। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में भारतीय टीम अब मेहमान टीम मसे 1-0 सेकंड आगे है। पहला टेस्ट मैच जो कि कोलकाता में खेला गया था वो ड्रॉ रहा था, जबकि दूसरे टेस्ट मैच में श्रीलंका को पारी और 239 रन से हार मिली थी। दोनों देशों के बीच 2 दिसंबर से दिल्ली में तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच खेला जाएगा। इस टेस्ट सीरीज के बाद 3 वनडे और इतने ही T20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी।